के आयोजन में समापन कार्यक्रम में मुझे भी आने का अवसर मिला। ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है उसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रही थी, बहुत सारी मुझे जानकारी मिली। और जैसा कि मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने आपको बताया कि आज हम उस युग में जी रहे हैं, आज हमारे लिए तो मैं मानती हूँ कि ये स्वर्ण युग है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय का भी गठन किया 2014 में, और तब से लेकर अभी तक जिस तरह से आयुर्वेद में और योग में विशेषकर जो हमारे युवा हैं उनकी रुचि भी बढ़ी है, और इसमें जिस तरह से रिसर्च हो रहा है, जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे मंत्रालय को, इस पूरे आयुर्वेद को, हमारे वैसे भी आयुर्वेद तो हमारा ही था, हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद का क्या महत्व है। हमारे पुराणों में हमने बचपन से देखा है, हमारे ये तो हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है, लेकिन किसी न किसी वजह से हमसे हम इससे दूर होते जा रहे हैं, और दूर होने की वजह से क्योंकि सरकार, बहुत सारी सरकारें आई, किसी ने रुचि नहीं ली, किसी ने सोचा नहीं आयुर्वेद के बारे में, और हम लोग दूर होते हैं। लेकिन अब हमने देखा 2014 से लेकर अब तक जिस तरह से युवाओं में रुचि पड़ी है, जिस तरह से पूरे विश्व भर में, बहुत खुशी की बात है आज हमारे बीच एक अम्बेसडर है, एक नॉर्थ मैसेडोनिया से ये पधारे, और ये तो मैं कहूंगी आपको कि मैं जहां भी जाती हूँ पूरे विश्व भर में आयुर्वेद के प्रति, योग के प्रति जिस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा है, रुचि बढ़ी है, सब लोग जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद क्या है। और आयुर्वेद का लोगों ने देख भी लिया कोविड के समय, सारी एलोपैथिक मेडिसिन लेकर और आयुर्वेद लेकर हम सब ने सारा लिया है, सारे से हम लोग ठीक हुए हैं, हम सब जानते हैं, इससे रिसर्च भी हुआ। तो जिस तरह से आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद का जो हम सब जानते हैं, जो जो आयुर्वेद से हमारे हमारे शरीर में, हमारे जिस तरह से आयुर्वेद क्रॉनिक डिजीजेस, ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका आज एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में ये बात पूरा विश्व जानता है, और भी ज्यादा इसका प्रमाण हमने देख लिया है कोविड के समय। और विशेषकर यूथ, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो युवा है आजकल वो एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत डरते हैं, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी चीज है जो हाँ हमको उसका इलाज हम जानते हैं कि ट्रीटमेंट है, बिल्कुल टेम्पररी इलाज तो हो जाता है, लेकिन जो हमारी अंदर से जड़ से जो बीमारी है उसका अगर हम इलाज भी, आप लोग सब यहाँ बता रहे हैं, आपने इसमें भाग भी लिया होगा, बहुत सारा हमको यहाँ पर जानकारी भी मिली है, बहुत सारे ऐसे टॉक्स भी हुए होंगे, बहुत सारे यहाँ पर हमारे बड़े बड़े आयुर्वेद चिकित्सक पूरे विश्व भर से भी पधारे हैं। मुझे लगता है इससे बहुत हम सबको लाभ मिलेगा, और एक जो ये हमारा आयुर्वेद है इसको कैसे आगे बढ़ाना है इसमें भी हमको और रिसर्च करने की मैं मानती हूँ आवश्यकता है। इसके बारे में थोड़ा प्रचार प्रसार और हो, हर व्यक्ति तक ये कैसे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक तो है अभी भी है, लेकिन कई बार लोगों के मन में थोड़ा सा रहता है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये जो दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो हमको बता रहे हैं ये जड़ी बूटियां सही है, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें भी अगर आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर, राजस्थान सरकार के भी साथ मिलकर हम लोग कुछ ऐसा काम करें जिससे कि लोगों को एक क्रेडिबिलिटी वाला जो कभी कभी रहता है, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो एक चीज भी हम लोग थोड़ा सा वो जो एक मन में रहता है कि ये सही चिकित्सक है नहीं है जो ये हमें बता रहे हैं कि ये दवाई हमको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये चीज भी हम थोड़ा सा एक मन में रहता है, डाउट रहता है, वो भी दूर करने की हम लोग कोशिश करें। वैसे तो हम लोग बहुत कुछ अब आयुर्वेद में भी बहुत रिसर्च भी हो रही है, बहुत बहुत कुछ हो रहा है, हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। मुझे लगता है जैसे एलोपैथी के बारे में एक वो हो गया है कि एलोपैथिक दवाई से कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता, सिर्फ कुछ समय के लिए लाभ मिलता है, लेकिन उसके बाद उसका नुकसान भी होता है, ये भी हम लोगों ने देखा, जितना वो शरीर को नुकसान एलोपैथी करती है उतना आयुर्वेद की दवाई कोई नुकसान नहीं करती। ये सारी बातें हम यूथ में है,
पूरे विश्व भर में इसकी जानकारी भी है, लोग जानते हैं, लेकिन अब इसको कैसे और हम लोग इसको बढ़ाए इसके बारे में भी सब मिलकर सरकारें आप लोग सब साथ मिलकर इस पे भी हम लोग थोड़ा और कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो ये भी कहा, मैंने आज अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि आयुर्वेद का एक बड़ा सेंटर राजस्थान में भी हम लोग स्थापित करें, उस पे भी हम लोग ऐसा कुछ कार्य करें, क्योंकि मैं टूरिज्म से जुड़ी हूँ क्योंकि केरला में और उत्तराखंड में और बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, चाहे बैंगलोर हो, बैंगलोर में हमारे कर्नाटका में और भी बहुत सारे प्रदेशों में तो बहुत कुछ आयुर्वेद पे काम भी हुआ है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और सेंटर हैं, लेकिन अभी भी राजस्थान में ऐसा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सेंटर अभी भी नहीं है जिसमें बाहर से भी लोग आए और बाहर से वो आके रिसर्च भी करें, वहां पर हमारे स्टूडेंट्स सीख भी सके आयुर्वेद के बारे में